मिसाल के तौर पर यह रहा माठ, यह माठ है। आज इंसान किडनिया में फतरे, लिवर में फतरे, पित्ता में फतरे, आपको परेशान है, वहां जाकर काटा कूटी कर लेनी है, सूटी कर लेनी, कत्ता सूट करे तो भी फिर फतरे आते, कत्ता काटे तो भी फतरे आते, नहीं आना तो कोई ये माठ उसका काम कर रहा है। ये माठ क्या है? ये गला, गला को पानी पीते रहो, आप तुम्हारे पित्ता के, किडनी के फतरे, सारे फतरे पिघल को निकल जाते। बात समझ रही? इसका नाम है मुसलमान, ये माठ का नाम मुसलमान। इसी तरह ये है गिलवई, ये है गिलवई, ये आपके हैदराबाद के अंदर, वो तुम्हारे खिले के पास भी है, वो कांगी वो है ना पहाड़, हाँ वो पारक के पास भी है और झाड़ा में सब लपट को है। इसका नाम गिलवी है और इसका नाम अमृता बल्ली भी है। और इसकी खूबी क्या है? तीन तीन पत्ते हर दिन सुबह में खाको, पानी पी लो, 100 साल की उम्र में बूढ़े नहीं होते, जवान नहीं, खाली इसके जड़ा कूट को डालो, ये जड़ा कूट को डाल को, ये तीजड़ कूट को डाल को, शाम को सुबह को इसका पानी छान को पी जाओ, कितना बड़ा पेट रहा तो भी छोटा हो जाता, अंदर कितना भी गलीज कोलेस्ट्रॉल रहते निकल जाता, और कभी कैंसर का दुश्मन, और कभी कैंसर नहीं आता, हर दिन इस्तेमाल करते रहा और कैंसर को खा जाता है। बात समझ रही? ऐसे इसका नाम है मुसलमान। मुसलमान बोलती जो काम, जिस चीज के लिए अल्लाह बनाया, जिस चीज को जो काम के लिए वो काम करी तो उसका नाम है मुसलमान। मिसाल के तौर पर ये फैन है जो आपके सामने फिर रहा है, ये फैन को नाम कौन दिया? कंपनी वाला दिया जो बनाया फैन। अच्छा, इन्हें अपना काम क्या करना है? तो हवा देते रहना, इसका काम होता है, इसका नाम फैन है, हवा देने की चीज, इसका नाम है मुसलमान। जैसा इसका नाम फैन बोल को बैटरी वाला रखा, इसी तरह लाइट है, या लाइट बनाने वाला, इसका नाम लाइट की दिया तो ये हमेशा रोशनी देने वाला। इसी तरह अल्लाह सूरज को बनाया, सूरज का काम हरारत देना, सूरज का काम धूप बरसाना, वो सूरज का नाम मुसलमान अल्लाह रखा, इंसान रखे नहीं, अल्लाह रखा। चांद को बनाया, चांद को कई को बनाया, तारीख बताना, और चांद आसमान की जीनत बनना, और चांद जो है खूबसूरत रोशनी बरसाना, तो चांद का नाम मुसलमान अल्लाह दिया। ये जमीन का नाम मुसलमान अल्लाह दिया कि जमीन को जिस मकसद से अल्लाह बनाया, वो जमीन अपने मकसद के तहत जो बीज डालते हैं वही बीज उठाकर देती है, तो ये जमीन मुसलमान बनी। मुसलमान कोई जात नहीं, मुसलमान कोई मजहब नहीं, जिस काम के लिए अल्लाह बनाया वो काम करेगा तो उसका नाम मुसलमान अल्लाह देता। सो मिसाल के तौर पर ये आंख है, ये आंख को खाली देखने के वास्ते बनाया अल्लाह, आंख से खाना नहीं खाते, खाली आंख से देखते, ये देखने का ही काम करते हैं, तो ये आंख मुसलमान बनी। अब काफिर कब बनते हैं? ये आंख अल्लाह की मर्जी के अलावा छोड़ को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करी तो मैं सबको ये किस नजर से देखती हूं, अम्मा को भी, जोरों को भी, बेटी को भी, तो वह काफिर बन गया। और मुसलमान ये आंख कब तक बन को रहती है? अम्मा को अम्मा बन को देखना, बेटी को बेटी समझ को देखना, भान को भान समझ को देखना, बीवी को बीवी समझ को देखना, जब ये आंख मुसलमान रहती है। इसी तरह ये जुबान जब तक सच बोलते रहता है और किसी को तकलीफ नहीं देता, ये जुबान मुसलमान। कब लोगों को तकलीफ देने लगता है, लोगों के दिल को तोड़ने लगता है, काटने लगता है, झूठ बोलने लगता है, लोगों का माल लूटने लगता है, यह जुबान काफिर बात। इसी तरह ये कान जब तक अल्लाह रसूल की बात सुनते रहता है, सच्चाई को सुनकर खुश होते रहता है, ये कान मुसलमान। कब लोगों की गीबत सुनकर खुश होने लगता है, लोगों की बर्बादी सुनकर खुश होने लगता है, हाँ तो ये कान काफिर बन जाता है। इसी तरह यह हाथ, यह हाथ जब तक लोगों के काम आती, लोगों के ऊपर भलाई करते रहते, हलाल की रोजी कमाते रहते, बीवी बच्चों को हलाल की रोजी खिलाते रहते, यह हाथ मुसलमान। यह कब हाथ चोर बनती, यह हाथ कब चोर बन जाती, यह हाथ काफिर बन गया।
ये बाबा जब तक अच्छी जगह जाते रहता है, अच्छे कमा करते रहता है, ये पैर मुसलमान कब ये नो शराब के दुकान को जाने लगती, जिना के अड्डों को जाने लगती और जुबे के अड्डों को जाने लगती, ये पैर काफिर हो गए। इन्हें जब पूरे का पूरा काफिर होगा तो उसे आग पर अजाब का फरिश्ता पकड़े चले आता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाया बला मन का सबा सैयातो वो अहातत बिही खतियातुहु फौलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिहा खालिदून। जब इंसान के चारों तरफ बुराया ही बुराया घेर लेते हैं, यानी हाथ काफिर बन गए, हमेशा लोगों को तकलीफ दे रही, लोगों का माल लूट रही, चोरी कर रही, बाप का माल बेटा चोरी कर रहा है, बेटे का माल बाप चोरी कर रहा है, भाई का माल भाई चोरी कर रहा है, दोस्त का माल दोस्त चोरी कर रहा है, ये का हाथ हाथ काफिर। और एक आंख सबको भी एक नजर देख रहा है, जोरू को भी वो नजर, दोस्त की जोरू को भी वो नजर, भाई की जोरू को भी वो नजर, अम्मा को भी वो नजर, भान को भी वो नजर, काफिर बन गए आंख। ऐसा मुकम्मल पूरे का पूरा बुराई उसे चारों तरफ से घेर ली, तो अल्लाह फरमाया उस वक्त अदाब का फरिश्ता आपको पकड़ा तो वो हमेशा जहन्नमी। मेरे दोस्तों भाइयों, यहां इम्तिहान है, अम्मा बात करो देखो जबत, यहां इम्तिहान है। अल्लाह 9 महीने मां की पेट में बनाया, भागों से भी फैक्ट्रिया बगीचे बाग बगीचे नहीं थे देखने के वास्ते, फिर आंख क्यों बनाया 9 महीने तैयार किया, वहां क्या भी वर्कशॉपां भी, कोसे दुकाना नहीं थे वहां काम करने, हाथा वहां क्यों दिया हाथा, 9 महीने अल्लाह हाथ बनाया, 9 महीने अल्लाह आंख बनाया, 9 महीने अल्लाह पावा बनाया, क्यों? इसलिए दुनिया में गया तो इसे हर चीज की जरूरत पड़ती है मेरे बंदे को। फिर दुनिया में आने के बाद अल्लाह देखता है ये कैसा इस्तेमाल करता है, क्या आंख मेरी मर्जी से इस्तेमाल करता है या इसकी मर्जी से इस्तेमाल करता है, ये हाथ मेरी मर्जी से इस्तेमाल करता है या इसकी मर्जी से इस्तेमाल करता है, ये दिल और दिमाग मेरी मर्जी से इस्तेमाल करता है या इसकी मर्जी से इस्तेमाल करता है। यहां अल्लाह की मर्जी का गुलाम बन गया, अल्लाह का गुलाम बन गया, जन्नत में बादशाह बन जा, नहीं दुनिया में मैं दिल का राजा, मैं किसी का सुनता नहीं, ना अल्लाह का भी नहीं, रसूल का भी नहीं, कुरान भी नहीं, हदीस भी नहीं, छोड़ो सब दखो, क्या की ताकत मिले दौलत मिले मजा करेंगे, तो अजाब का फरिश्ता को एक मार पीठ पो एक मार मुंह पो, क्या बोल बोले जाता है, ना तू जहां तो ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए, एक मार मुंह के ऊपर एक मार पीठ के ऊपर। नहीं अल्लाह की मर्जी का गुलाम बन गया और प्यारे नबी की जिंदगी को अपना लिया तो आखिर में फरिश्ता को क्या बोलता है, तेरी खामोश जिंदगी ऐ मोमिन ये फरियाद पैदा करती है, तू हो खबर में तेरी सदाएं हो दुनिया और आसमानों में। प्यार मोहब्बत से लेकर जाती फरिश्ते, फरिश्ते खबर में साथ रहती, फरिश्ते हशर के मैदान में साथ रहती, फरिश्ते जन्नत में साथ रहती। वो अल्लाह क्या बोलता है, मेरा बंदा दुनिया में मेरी मर्जी से जी लिया, ऐ मेरे बंदे जन्नत में तू तेरी मर्जी से जी ले, फिर वहां जन्नत में बुढ़ापा नहीं, हमेशा का जवान, वहां 5 अड़ी साढ़े 5 अड़ी का नहीं, 70 अड़ी का जन्नत के अंदर खाता है, टंडरा का खाता है खाली, एक डकार जा तो हजम, यहां वैसा नहीं, 150 ग्राम के बजाय 200 ग्राम खागा तो घंटे बैठे घंटे खिलना बैठ को निकालने के वास्ते, नहीं निकलिया तो डॉक्टर को हके मार के थोड़े खिलना। जन्नत की जिंदगी ऐसी नहीं, वहां बादशाहत मिल जाती है, जवानी मिल जाती है, फिर भी कभी मौत नहीं जन्नत में, वैसा मिलना है यहां पास होना। उसके शायर बोलिया ये किराए का घर है, मरने के बाद खास घर है, तू यहां का है मुसाफिर, ये जहान फानी है, 4 दिन की मेहमान तेरी जिंदगानी है, जन जमीन जेवर कुछ ना साथ लेके जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जाने से पहले वहां जमा ले, जो अच्छा काम करता वहां जम जाता है, मरने से पहले तेरे हाथ से जो कर्जा लिया वो तेरा वहां जमगा, तेरे हाथ से जो देदा लिया वो तेरा वहां जमगा, कोई कर्ज लेको गया दिया नहीं उसे माफ कर लिया तेरा वहां जमगा, कोई चुरा लिया तुझे मालूम नहीं सरका तू देख को भी खामोश रहेगा तेरा वहां जमगा, बात समझ रही, जो रखो गया 10 बिल्डिंग का वो तेरे नहीं, 10 कारा छोड़ को गया तेरे नहीं, 100 एकड़ जमीन छोड़ को गया वो तेरे नहीं, तू वॉचमैन मन को बैठा है किसका की माल जप ले को, वहां कंगाल भिखारी बनकर रहता है कयामत के दिन,
मेरे दोस्तों एक इम्तिहान है, बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी और मेरी जिंदगी सलामत है इंशाल्लाह। शास्त्रीपुरम अली भाई मस्जिद के सामने 25 तारीख की शाम तक आपके साथ मिलते रहेंगे। ये कलोनी का कसाया, आपके सारे बीमारियों का सफाया, ऐसे सौवा के जड़ बूटे हम डालकर यह कषाया बनाया जाता है। ये बूढ़े से बच्चे तक पी सकते हैं, तंदुरुस्त से बीमार तक पी सकते हैं। अगर बीमार लोग पीते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तंदुरुस्त लोग पिएंगे आगे चल को खतरनाक बीमारियां से बच जाएंगे, यानी कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, कैंसर, खतरनाक बीमारी से बच जाएंगे, किडनी सबके सब सब बीमारियों के वास्ते। और दूसरा ये रहा मिक्सर, कलौंजी का मिक्सर, ये चाय भी बना को पी सकते हैं, आधा पानी आधा दूध थोड़ी सी हल्दी डालकर बेहतरीन चाय बनती है, बना के बार बार पियो सेहत के लिए। और रोटियां बना के खाओ, हिट बना के खाओ, अम्बिल बना के पियो, खीर बना को खाओ, घर में सबको खिलाओ, हर बीमारी से बचको रहती बीमारियां निकल जाती इंशाल्लाह। ये रहा तबरुक आजम, एक एक खतरा डालते रहेंगे, बच्चे को 24 घंटे बीमारी नहीं आएगी, यानी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है। और बड़े आंख को दो खतरे, और अंदर का इन्फेक्शन है, यानी अंतया के ऊपर, गुर्दिया के ऊपर, लिवर के ऊपर, फुनसुनिया फोड़े हैं, सब चल जाएंगे, दो खतरे हर दिन मुंह में। ये तीन आइटम है, उसके बाद जो भी और चीजें हैं आप पूछ के ले सकते हैं, बल्कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट लेके जाओ, आपकी हर बीमारी दफा हो जाएगी। और दूसरा ये देना हमारा काम है, शफा देना अल्लाह का काम है, क्योंकि अल्लाह जिसे बीमार रखना चाहता है और बीमारी की मौत में, बीमारी में मौत देकर जन्नत में दाखिल करना चाहता है, उसे कोई अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके गुनाहों का कफारा होगा वो, क्योंकि जन्नत के लिए उसे यहां धोया जाता है, जैसे आप कपड़े को धोते हैं, जिस्म को धोते हैं साबुन डाल के छाट के, ऐसा अल्लाह यहां धोते रहता उसे। बात समझ रही? अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह 18 साल बीमार रखा, दुनिया का कोई हकीम उनको अच्छा नहीं कर सका, दुनिया का कोई डॉक्टर उनको अच्छा नहीं कर सका 18 साल तक। 18 साल के बाद सिर्फ इतना बोले अय्यूब अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह 18 साल तू मुझे बीमार रखा, मैं तेरा नाशुकरा नहीं बना मौला, सिर्फ मेरा दिल यहां दुख रहा है, लोग तेरी तौहीद के ऊपर उंगली बता रहे हैं, ये देखो ये कल्ला ये कल्ला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो तो को बोलते रहता है, ये देखो इसकी हालत क्या है इसका, ये कल्ला इसे कैसा करे, ऐसा मुझे ताने दे रही अल्लाह, मुझे सबर करने नहीं हो रहा, अल्लाह सेहत पकड़ दिया। इस तरह अल्लाह जिसे सेहत पकड़ जाता है, हो सकता है बीमारी से भी शफा हो, ये जड़ बूटियों में किसी को जल्दी शफा होता है, किसी को देर से शफा होता है। और दूसरा जो लोगों को गुस्सा खाना नहीं आता, गुस्सा पीना नहीं आता, वो जड़ बूटियों की तरफ ना आए, क्योंकि बीमारियों की जड़ क्या करते हो, गुस्सा और डर बीमारियों का घर। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना डरेंगे, उतनी बीमारी बढ़ जाएगी, अगले को भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर जड़ बूटियां का आप सहारा लेना है तो आपके अंदर के गुस्से को खत्म कर देना, और आपके अंदर सबर आ जाना, और आपके अंदर डर खत्म हो जाना। अल्लाह दिला रहे, अल्लाह दिला रहे, जिंदगी तो भी दे दे, मौत तो भी दे दे, मंड हो जाना, जब ही चल के इसका फायदा होता है। दोस्तों भाइयों इंशाल्लाह यहां कोई खतरनाक पेशेंटों को, सीरियस पेशेंटों को ना लाए, क्योंकि यह हॉस्पिटल नहीं है, या कोई हॉस्पिटल में हमें कोई जो है एक्सरा एमआर ये सब करने के वास्ते, हम इश्ता किश्ता नहीं, या खतरनाक पेशेंटों को ना लाए सीरियस को, और आओ इंशाल्लाह हम सिखाएंगे ये जड़ बूटियों को कैसा खाया जाता है, कैसा बीमारियों से बचना है, हम सिखाएंगे। फिर अगर आप चाहेंगे तो प्यार मोहब्बत से लेकर जाएंगे, हम जबरदस्ती से भी नहीं देंगे, बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी जिंदगी सलामत है इंशाल्लाह, मिलते रहेंगे।